अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और हम लोगों को लगा ये भूख, क्योंकि कल है करवा चौथ और मम्मी ने बोला है कि करवा चौथ से 3 बजे से पहले पहले बच्चे लोग कुछ भी तुम लोग मंगा के खा सकते हो। तो मन किया क्यों ना आइसक्रीम खाई जाए, इसलिए हमने मंगाई है बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम। मम्मी ने कहा कि क्योंकि हमको 3 बजे के बाद कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, कल पूरा दिन कुछ नहीं खाना है, नॉट इवन वाटर, पानी भी नहीं पीना है। दैट्स वाई अब हम खा रहे हैं अपनी फेवरेट आइसक्रीम और कल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, कभी भी बिना कुछ खाए पिए ऐसे रहा नहीं है। लेट्स सी कि क्या होगा कल, कैसे फास्ट रखा जाएगा। ओह माय गॉड, दिस इज सो कूल। ये आइस है, आइस आइस, ठंडा ठंडा, कूल कूल। सीरियसली बास्किन रॉबिन्स आर अमेजिंग। विच फ्लेवर do you like? I like chocolate flavor. भूख लग रही है, बेटर है हम खा लेते हैं 3 बजे से पहले जो भी खाना है, क्योंकि कल तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं। बिल्कुल नहीं मिलेगा, कल तुम्हारा पहला करवा चौथ है तो हमें कुछ भी नहीं खाना है। यार कल आप कुछ सरप्राइज वगैरह दे रहे हो क्या, कुछ फास्ट फास्ट रख के ऐसा कुछ है क्या? कल हम स्पेशल डिश बना रहे हैं जिसको हम अकेले खुद खाएंगे। वेरी गुड, चॉकलेट। ओके, चॉकलेट आइसक्रीम। दिस इज फॉर मी। या दिस इज फॉर अस। दिस इज फॉर अस एंड दिस वन इज, दिस वन इज मॉर्निंग फीस्ट। वाओ, आई डोंट लाइक मॉर्निंग फीस्ट बट आई लाइक चॉकलेट वन, सो आई विल हैव चॉकलेट वन and we'll have morning feast, okay? Okay. Ta-na-na-na. So, jiska jiska karwa chauth hai, 3 baje se pehle kha lijiye, kyunki kal pure din kuch khane ko nahi milne wala hai. Milte hain aapse subah, abhi khate delicious ice cream. Dan dan, bye. Good morning, Jai Shri Shyam, Radhe Radhe to all. Aaj hai karwa chauth, sabse pehle to happy karwa chauth to all the couples. सो आज मेरा भी फर्स्ट करवा चौथ है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेट्स सी कैसे होगा, क्योंकि मुझसे भूखा तो बिल्कुल भी नहीं रहा जाता है और आज बिना कुछ खाए पिए रहना है। ओ माय गॉड, लेट्स सी कैसे रहा जाएगा। रुपम को तो मैंने बहुत चढ़ाया कि मैं अकेले फर्स्ट क्यों रखूँगी, सिर्फ अकेली वाइफ को ही पति की लंबी उम्र क्यों चाहिए, हस्बैंड्स को भी तो चाहिए होती है। तो लेट्स सी वो क्या करने वाले हैं। और अभी मैं मेहंदी भी लगवाने जाने वाली हूँ, उसके बाद करेंगे घर में जो पूजा है करवा चौथ की वो। एंड आज शाम को करवा चौथ का फंक्शन है, उसमें भी हम लोग जाएंगे। बहुत सुंदर इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। अरे भारती, ये क्या कर रही हो? ये इनको छोटे छोटे करवे बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? करवा चौथ का करवा। ओह, तो ये ऐसे बॉक्सेस में डाल रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं? तो बड़ा क्यूट है, छोटे छोटे इग्नू, ये बहुत क्यूट कर रहे हैं। इनको ऐसे बॉक्सेस में डाल रहे हैं क्योंकि आज मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, तो कहते हैं ऐसे 14 करवा चौथ के हिसाब से ऐसे मेहनत पे हैं, तो वही उसी की पूजा की जा रही है। तो ऐसे अब हमने इनको बॉक्सेस में डाल दिया है और ये बंद करके, अच्छा इनमें अभी वो भी तो रखने हैं मम्मी, पैसे, इनमें अभी पैसे भी रखेंगे और इनकी पूजा की जाती है, फिर पूजा करने के बाद इनको दान किया जाता है। मम्मी इनमें गेहूँ डाले हैं थोड़े थोड़े, बता देते हैं डाल के। ऐसे करके गेहूँ उसमें देना है बेटा, ठीक है मम्मी, उनके 2 बार दे तो इतना गेहूँ हो जाएगा, सफिशियंट है। फिर इसको ऐसे इतने काला काला कुछ दूध किया है वो निकाल रहे हैं, फिर इसको ऐसे करके ऐसे फोल्ड करना है अपने को, ठीक है मम्मी, फोल्ड करके ये से यहाँ से सेलोटेप उतारना है और उतार करके इसको ऐसे अपने लगा देना। अरे वाह, ऐसे डब्बा में डाल के इसको ऐसे मोड़ो चाहे कुछ ही करो, इसको ऐसे मिलते हैं। मम्मी इसका मतलब क्या होता है गेहूँ डालने का? गेहूँ ये सुहाग का होता है बेटा,
करवा माता करवा चौथ का चौथ माता का सुहाग का दिन होता है, उससे हस्बैंड की उम्र बढ़ती है, अन्न का भंडार बड़ा रहता है, दिन होता है। अच्छा, चीनी का करवा देते हैं, मीठा मीठा सब रहे, चीनी का करवा इसी होता ताकि सब सुहाग बना रहे। बहुत है इतना मम्मी, थोड़ा और ले लेना। तो ये कितनी जगह होगा मम्मी? ये होगा 14 जगह। 14 जगह। हाँ ठीक है। सो ये मम्मी ने मुझे बताया है ऐसे डालना है एंड फिर ऐसे रोल 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 करके इसको ऐसे पैक करना है, और गेहूँ इसलिए डाले जाते हैं ताकि घर में अन्न धन सब भरा रहे, पति की लंबी उम्र रहे। सो ये मेरे पति की लंबी उम्र के लिए हमने इसमें डाल दिया। बहुत मज़ा आया था भाई, अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ लग रही है छोटी छोटी। सो ये पूजा हो रही है करवा चौथ की, मम्मी बता रही है भाभी और भारती को कैसे करना है। मम्मी ये क्या चीज़ का पूजा हो रहा है, करवा चौथ का इसको क्या कहते हैं? पति के लिए, घर परिवार के लिए, औरतें सब सुहागिन औरतें करती है। अच्छा, खाती पीती नहीं है, रात में काम देखे अरग देखे फिर खाना खाती है। भाभी पति का पांव छूती है। भाभी ये आपका सेकंड टाइम है ना, थर्ड टाइम है, थर्ड ईयर है? अच्छा, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज सेकंड, बिफोर मैरिज थर्ड। और भारती तुम्हारा पहला। अरे देखो पीछे कौन आया, ओ सतिया का टिक्की दे लल्ला लल्लो। ओ हमारे लल्ला का नया वॉकर आया है, ये मस्त इसमें उछल उछल के खेल रहा है, अब ये आज़ाद है, कहीं भी चल सकता है, घूम सकता है, है ना लगा? क्या क्या बोल रहे हो बाबू तुम? दे क्यों दे 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 गणेश जी महाराज जिसे गुड़िया माई ने दियो उसे सब ने दियो, कहता ने सुंदर ने उकारा बर्तन है। बोल गणेश जी महाराज की, बोल चौथ माता की। सो भारती की मेहंदी लग चुकी है करवा चौथ की, बहुत ही सुंदर लग रही है। टिप्स अभी देते हैं। भारती के हाथों में प्यारी सी मेहंदी लग चुकी है, वाओ पीछे की भी बहुत सुंदर है। करवा चौथ वैसे भी स्पेशल ओकेजन है मेहंदी के लिए भी, मेहंदी करवा चौथ पे बहुत बहुत ज़्यादा लगाई जाती है, सबसे ज़्यादा मेहंदी के लिए फेमस है करवा चौथ का ओकेजन। और भी निर्कुंड देखो, रुकम सुबुम को जब भी देखोगे
हंसते हुए भी नहीं अब हम जा रहे हैं ऊपर में जहाँ पे करवा चौथ के सारी पूजा और व्रत तोड़ेंगे। ये दरबार का दर्शन करिए। अकेले क्यों रखे, अब पहला करवा चौथ है तो सोचा रख ले। और नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, बट ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है सिर्फ बीवियों को ही पति की लंबी उम्र चाहिए, पत्नियां भी तो चाहिए। दोबारा तो रखने वाला नहीं, फर्स्ट टाइम था इसलिए सोचा कि इंप्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए रख लेते हैं। लेकिन पहली बार मैंने व्रत रखा है
मैंने पहले दो बार रखा है सिर्फ श्याम बाबा के निर्जला एकादशी में, उसके बाद कभी कोई भी रीजन से मैंने व्रत नहीं रखा। इसके लिए मैंने पहली बार करवा चौथ व्रत रखा है। सोचिए कितना प्यार करता है। बट मेरा पॉइंट भी सही है, आप कमेंट करके जरूर बताइए मैं सही बोल रही हूँ या गलत। क्या पॉइंट क्या तुम्हारा? मेरा पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है सिर्फ बीवियों को ही पतियों की लंबी उम्र चाहिए, पति को भी पत्नी की लंबी उम्र चाहिए। व्रत तो बीवियाँ रखती है ना, पति थोड़ी रखते हैं। अच्छा हाँ, सिस्टम है ना हर चीज का। आप कमेंट करके बताइए डिसाइड करेंगे। खैर अभी हमें बहुत जोर भूख लग रही है, बहुत जोर आएंगे। सो हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिए। गुड नाइट।